स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा था और मैंने आप लोगों को उसमें होमवर्क भी दिए थे, कंप्लीट करने के लिए कहा था कॉपी में उसे, तो आप लोग कंप्लीट तो कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों ये है आप लोग एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 1 है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है हमको, इसका फेस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोग देख रहे हैं ये वंस, टेंस, हंड्रेड, ये थाउजेंड में है, ये आप लोगों को मैंने बताया था। अब यहाँ पे नंबर है क्या है, थ्री क्या है, थाउजेंड है, थाउजेंड है ना, यहाँ पे थाउजेंड में है और टू हंड्रेड में है, फोर टेंस में है, फाइव वंस में है ना। तो इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो जिस नंबर में हम फोकस करते हैं उसके बाद का जितना भी डिजिट रहता है उसके जगह में हम क्या करते हैं, ज़ीरो को लिखते हैं। तो यहाँ पे थ्री है तो इसके बाद कितने डिजिट है, वन टू थ्री, तो यहाँ पर थ्री ज़ीरो दे दिए। अब यहाँ टू है तो टू के बाद कितने डिजिट है, टू डिजिट है तो टू ज़ीरो। फोर के बाद कितने हैं, तो एक है, तो यहाँ फोर के बाद एक एक ज़ीरो देंगे। और फाइव है तो यहाँ पर सिर्फ फाइव ही लिखेंगे हम। और फेस वैल्यू में क्या करना पड़ता है, और फेस वैल्यू में हम क्या करते हैं कि जो नंबर का हमको फेस वैल्यू निकालना रहता है हमको उसी नंबर को लिखना पड़ता है। जैसे थ्री है तो थ्री का फेस वैल्यू क्या होता है, थ्री ही होता है। और टू का फेस वैल्यू क्या होगा, टू ही होगा। फोर का भी फेस वैल्यू क्या होता है, फोर ही होता है। फाइव का भी फाइव ही होता है। तो आप लोग को ये समझ में तो आ गया होगा। तो बाकी कुछ क्वेश्चन है जिसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू है, गिव इन द प्लेस वैल्यू राइट द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या है हमारा यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू दिया हुआ और हमको क्या निकालना है, इसका हमको इसका नंबर लिखना है। यानी मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, 4000 है ना, तो इसका जो डिजिट है वो क्या होगा। तो क्या होगा, 4000 का 4 होगा, 200 का क्या होगा, 2 होगा, और 30 का 3 होगा, 5 का 5 ही होगा। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, 7000 है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 ही होगा। 300 का 3, 50 का 5, 2 का 2। तो आप लोग ये समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है हमको, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमको सर्कल करना है। जैसे ए है, फोर इन द टेंस प्लेस, फोर जिसमें टेंस प्लेस में उसको हमको सर्कल करना है। तो हम देख रहे हैं फोर क्या है, वंस में है ना, यहाँ पे फोर क्या है, हंड्रेड में है, और यहाँ पे फोर क्या है, टेंस में है, और यहाँ पे हंड्रेड में है ना। तो ये क्या है, टेंस प्लेस में, इसको हम सर्कल कर देंगे। अब है बी, सेवन इन द थाउजेंड प्लेस। क्या सेवन, सेवन अगर थाउजेंड प्लेस में है तो हमको उसका सर्कल करना है। तो यहाँ पे सेवन थाउजेंड प्लेस में कहाँ है, तो इसमें है ना, इसमें देखिए आप हंड्रेड में है, इसमें क्या है, टेंस में है, और इसमें वंस में, इसी में है, थाउजेंड में, सर्कल कर देंगे। अब सी है, थ्री इन द हंड्रेड प्लेस, थ्री जिसमें हंड्रेड प्लेस में है उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे क्या है, वंस में है, यहाँ पे टेंस में है, और यहाँ पे थ्री कहाँ, थाउजेंड में है, यहाँ पे हंड्रेड में है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। अब डी है, नाइन इन द वंस प्लेस। क्या नाइन जिसमें वंस प्लेस में है उसको हमको सर्कल करना है। तो यहाँ पे नाइन क्या है, वंस प्लेस में है, तो शुरू में ही हमको मिल गया इसका आंसर, तो हमको इसका क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फोर से कम्प्लीट करेंगे। तो आज मैंने आप लोग को जो पढ़ाया है उसे आप लोग अपने कॉपी में कम्प्लीट कर लीजिएगा। बाय।